राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाना सीखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की इयररिंग्स। ये हम क्रोचिट से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस इयररिंग्स को बनाना काफी इजी है। ये फ्रेंड्स देखते हैं हम इस तरह के इयररिंग्स किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इयररिंग्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ये 5 नंबर का क्रोशिया चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमें इस तरह से एक छोटी छोटी 2 बालियां चाहिए। ये मैंने ब्लैक कलर में ली हैं। 2 कलर के हमने धागे लिए हैं, एक येलो और एक रेड। आप कोई से कलर से भी बना सकते हैं, आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी कलर यूज करना चाहते हैं उस कलर से बना सकते हैं। मेरे को येलो एंड रेड कलर से बनाना है तो मैं उस कलर से बनाऊंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक हम सीजर लेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम इस तरह से इयररिंग्स को किस तरह से डिजाइनर बनाते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लूप बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लूप बना ली। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स, इस लूप को इस तरह से बड़ा करेंगे और इस इयररिंग्स के अंदर से इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पर इसे सिंगल स्टिच से कर देंगे। एक कर दिया, अब इसी तरह से दोबारा से करेंगे इसी के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 हो गए। फिर लूप लेनी है, फिर करना है 3। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें आगे करना है। ये 3 हमने कर दिए, फिर इसके अंदर जाना है, लेके आना है और एक ये दोबारा से 4। फिर करना है 5। इसी तरह से देखिए, ये इयररिंग्स के आसपास करना है 6 7 8। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से 24 सिंगल स्टिच बना ली हैं। उसके बाद हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1 2 3 3 चेंस हमने डबल क्रोशिया की हाइट की बनाई। उसके बाद हम 1 और 2 2 चेंस लेंगे तो हमारी ये टोटल 5 चेंस होगी। वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, लूप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैन में तो हमने बनाया, 1 चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन, देखिए फ्रेंड्स, सेकंड चैन को स्किप करना है और थर्ड चैन के अंदर हमें डबल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 चैन हो गई हैं। लूप लेंगे, नीचे से 1 चैन स्किप करेंगे, सेकंड चैन के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे, 3 से 2 करेंगे, 2 से 1। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम वही से 1 2 2 चैन लेंगे, लूप लेंगे, नीचे से 1 चैन स्किप करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से 1 चैन स्किप करके सेकेंड चैन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे करना है, 1 और 2 2 चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, नीचे से 1 चैन स्किप करेंगे सेकेंड चैन के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड चैन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमें यही काम करना है, 1 2 2 चैन बनानी है, लूप लेने हैं, नीचे से 1 चैन स्किप करके सेकेंड चैन के अंदर हम बनाएंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें ये सेकंड रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको सेकंड रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया था उस तरह से हमने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लास्ट में इसको बंद नहीं किया है। अब हम इस तरह से येलो कलर के धागे को छोड़ेंगे और रेड कलर के धागे को हम इस तरह से लेंगे, सेकेंड कलर को। तो हमें इस तरह से ही आगे ज्वाइन करना है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को हमने इसके बीच में रखा है। अब इसके बीच में से इस तरह से हम निकाल लेंगे और ये येलो कलर के धागे को हम खींच के टाइट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने टाइट कर दिया। अब हम चैन स्टिच बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 चैन स्टिच हमने बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हाइट येलो और रेड कलर के धागे को हम दोनों को खींच के टाइट कर देंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों धागों को हम बीच में लेते हुए ये जो डबल क्रोशिया है इसकी ऊपर ही हमें ये से ज्वाइन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इसे हम दोनों धागों को इसके बीच लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा धागे दिखे ना, तो हम इसके बीच में इस तरह से देखिए फ्रेंड्स डबल क्रोशिया के ऊपर ही लेते हुए इसे एक सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 और 3 3 चैन स्टिच लेने हमें। अब हमें क्या करना है, लूप बनानी है, इस होल के अंदर जाना है, लेके आना है और 4 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 3 की चैन हो गई, तो 1 हो गया। फिर ये 2 हो गए, तीन, 4। तो देखिए, 4 डबल क्रोशिया और 1 3 की चैन, तो 5 हो गई। अब हम इसी के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, वर्क को इस तरह रखेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे, लूप लेंगे। ये जो चीज है देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस चीज को उठाना है,
यहां पर पांच डबल क्रोशिया करने हैं, एक दो फिर तीन चार और ये लूप लेंगे पांच। तो देखिए पांच डबल क्रोशिया हो गए हैं, पांच वहां, तो इस तरह से होने के बाद अब हमें क्या करना है, जहां पर हमने शुरुआत में ज्वाइन किया था इसी जगह पर आना है और सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद फिर से वही एक दो तीन, तीन चांस लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर वाली जगह पर, हम यहां पर इस जगह में देखिए फ्रेंड्स इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ज्वाइन करने के बाद फिर वर्क को हम इस तरह से टर्न करेंगे, फिर हमने एक दो तीन, तीन चैन स्टिच लेने हैं, लूप लेनी है और इस जगह पर चार डबल क्रोशिया करने हैं, एक दो तीन और ये चार, चार हो गए। इसके बाद फिर से वही चीज हम देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोबारा से लूप लेंगे और इस डबल क्रोशिया के अंदर पांच डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए पांच डबल क्रोशिया हमने यहां कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, जहां पर हमने स्टार्टिंग में किया था वहीं पे हमें दोबारा से इसे ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये कलियां बन गई हैं, इसी तरह से हमें अभी ये सारी कलियां बनानी है। ये फ्रेंड्स मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से वो हमने बना दिया है और लास्ट में मैंने ज्वाइन करके धागा कट कर दिया है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा एक इयररिंग्स बन गया, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने दूसरा भी सेम बना दिया है, तो अब हमारे पास ये दोनों इयररिंग्स बनकर रेडी हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमारे ये इयररिंग्स बनकर रेडी हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना ही इजी है इसको बनाना, अगर आप भी अपने लिए बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह की और भी वीडियोज डाल रखी है, आपको जो भी डिजाइन पसंद आया आप वैसे डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये इयररिंग्स की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।